तो हमारा ये जो बायलैटरल कॉर्टेक्स है इस इंटरवल के ऊपर, यानी x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 5 इसके ऊपर ये हमारा बनवन डिफाइन हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि हम अब x एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये इसका केवल एक पॉइंट पर कट करेगी, तो हमारा ये बनवन हो गया फिलहाल। तो अब ये आपको कॉर्टेक्स का हो गया। मिरर इमेज से हमने क्या कहा था, x को y और y को x एक्सिस में मतलब इंटरचेंज कर देते हैं। तो अब ये जो कॉर्टेक्स का है मिरर इमेज से ही आपका कॉर्टेक्स एक्स का ग्राफ होगा। अच्छा, इसके डोमेन रेंज आपको मालूम ही मालूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभी हमारा कॉर्टेक्स एक्स का ये ग्राफ आपका हो गया। जो चीज़ हमने कहा जो एक्स एक्सिस से भी काम कर रही थी वो वाई एक्सिस के लिए काम करेगी, जो वाई एक्सिस के लिए काम कर रही थी वो एक्स एक्सिस के लिए काम करेगी। डोमेन रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो अब हम जरा देख रहे हैं ग्राफ हमारी शेप ये आ गई। तो अब हम इसके डोमेन की बात कर लेते हैं। ग्राफ हमारा पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है भाई, ये x एक्सिस है और ये क्या है x डैश है आपके पास, तो पूरे x एक्सिस में फैला हुआ है यानी माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, दैट इज रियल नंबर। तो ये इसका डोमेन वो क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना। अब हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं। तो रेंज क्या है इसका, मिनिमम क्या है जीरो, तो मैक्सिमम क्या है पाई, बट दोनों पे ग्राफ कहीं टच नहीं हो रहा है। ये देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं कहीं जा रहा है लेकिन टच नहीं हो रहा है, और यही आपका वाई जो ये आपका जीरो टू पाई जो है, ये आपका पाई जो है वो पाई पर भी ग्राफ हमारा कहीं टच नहीं हो रहा है। तो ओपन इंटरवल लेंगे जीरो और पाई, क्लोज इंटरवल यहाँ पे नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो इस वाली लाइन को एक्स एक्सिस को और इसके पैरेलल ये वाली लाइन को पाई जो है इसके इसके बाद इस वाली लाइन को ग्राफ हमारा टच नहीं कर रहा है। तो उसका रेंज जीरो टू अरे जीरो टू पाई हो गया, जीरो कोमा पाई हो गया ओपन इंटरवल में, है ना। तो ये हमारी बात होगी कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स की और इनवर्स एक्स की। इनवर्स फंक्शन डिफाइन जब भी हो पाते हैं जब वो बाइजेक्टिव हो, बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन ऑन टू हो। तो वन वन ऑन टू पहले हम उस फंक्शन को वन वन ऑन टू के लेवल तक, इसलिए हम इसके डोमेन में इंटरचेंज करते हैं, नहीं सॉरी इसलिए हम इसके डोमेन में थोड़ा सा कटिंग कर देते हैं लिमिटेशन, जिससे कि इस यहाँ से यहाँ तक इसका डोमेन डिफाइन करेगा ये। अब देखिए जैसे क्या है, अभी आप देख रहे कॉर्टेक्स का, तो कॉर्टेक्स का ऐसे चलता आपका। अब उसमें क्या, अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये बहुत सारे पॉइंट पे कट करते हैं, इसका मतलब ये वन वन फंक्शन नहीं होता। तो वन वन करने के लिए हमने ये कहा इसके डोमेन को हमने थोड़ा सा सिंक कर दिया, शिंक कर दिया। तो शिंक से मतलब क्या है, अब ये इतने इतने बीच में डिफाइन हो रहा है तो ये वन वन फंक्शन है हमारा। तो इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए हम इसके डोमेन से छेड़छाड़ करते हैं। अब आइए आगे, अब हम बात कर लेते हैं वाई इक्वल टू सेक एक्स की। तो सेक एक्स का ग्राफ कैसे होता है ये आपको मालूम ही है, कुछ ऐसे आपका जता आ गया है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि पहले हमें इसे बनवन डिफाइन करने के लिए सेक एक्स को हमने इसे ब्रेक कर दिया, किस इंटरवल में किया, जीरो से पाई के बीच में। ये ग्राफ ऐसे जाएगा आगे और ये भी आपका ऐसे आता, लेकिन तब उस कंडीशन में अगर हम एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये फिर ये बहुत सारे पॉइंट पे कट कर दी, यानी एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये कट कर दी, इसलिए हमने इसके डोमेन को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया। अब ये डिफाइन हो रहा है जीरो से पाई, जीरो से पाई के बीच में अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर आप लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये इस कर्व को केवल केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो इसलिए हमने इसको इसके डोमेन को थोड़ा सा हमने श्रिंक कर दिया, है ना, एक बाउंड कर दिया अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में। तो ये आपका सेक एक्स का ग्राफ है जिसमें एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, इस ग्रेटर इक्वल जीरो, जीरो से लेकर और इस लेस इक्वल पाई, यहाँ यहाँ मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है ये आपका ये है ये है यहाँ से यहाँ तक आपका ग्राफ, ये जो लिमिट है वो इसकी। बट एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, ध्यान रहे पाई बाई टू पर कहीं ग्राफ हो, ये पाई बाई टू की लाइन है, ये कर्व जो जा रहा है ये भी पाई बाई टू को कहीं टच नहीं कर रहा है, और ये आ रहा है ये भी पाई बाई टू को कहीं टच नहीं कर रहा है, इसलिए हमने लिखा है एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, एक्स की वैल्यू पाई बाई टू उसमें आ रही नहीं, क्योंकि ग्राफ हमारा एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पर टच ही नहीं हो रहा है, है ना, इसलिए हमने बढ़ा दिया इसको यहाँ से। तो ये आपका सेक एक्स का हो गया। मिरर इमेज से हमें क्या बताया, जो एक्स के लिए काम कर रहा था वो वाई के लिए करेगा, जो वाई के लिए काम कर रहा है वो एक्स के लिए करेगा। तो अब हम इसका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ इसका ये आ जाएगा आपके पास, ये आपका हो गया ग्राफ ऑफ वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का। अब देख लीजिए ये था ऐसे हो गया आपका, है ना। तो ये आपका मिरर इमेज से ये वाई इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आपके पास ये हो गया। अब हम इसकी इसकी बात कर लेते हैं डोमेन और रेंज की। ये तो
सॉरी ये पॉइंट तो सारे समझ में आ ही रहे होंगे। जैसे इसमें हम देख लेते हैं, ये आपका ओरिजिन है, ऊपर के एक्स एक्सिस का जीरो, वाई का वन है, तो जीरो कॉमा वन इसका कोऑर्डिनेट हो गया, इसका ऊपर जीरो कॉमा माइनस का वन होगा, ये पाई बाई टू की लाइन है तो इसे कोऑर्डिनेट हो गया पाई बाई टू कॉमा जीरो हो गया। ये पाई बाई टू है, ये भी पाई बाई टू है, तो ये आपका हो गया पाई कॉमा जीरो हो गया। नीचे आ गए तो ये एक्स एक्सिस में पाई है और वाई एक्सिस पे माइनस का वन है, इसलिए पाई कॉमा माइनस वन हो गया। इसी टाइप से ये आपका वाई का टू सेकंड वर्स एक्स का ग्राफ है ना, ये ओरिजिन हो गया, ये जीरो टू पाई बाई टू की लाइन थी, पाई बाई टू कॉमा जीरो था, ये जीरो से पाई बाई टू हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपका सेकंड वर्स एक्स का, सेकंड वर्स एक्स का ये ग्राफ हो गया। अब हम इसके डोमेन और रेंज की बात कर लेते हैं। हमने आपसे कहा डोमेन क्या होता है, एक्स उस ग्राफ का एक्स एक्सिस में क्या फैलाव है, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक इसमें काम कर रहा है। देखिए ग्राफ हमारा ये है, ये तो ओरिजिन है ना, ग्राफ बट ओरिजिन तक पहुँच नहीं रहा, ग्राफ हमारा ये पहुँच रहा है, और कहाँ तक पहुँच रहा है, माइनस इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट तक जा रहा है। तो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन तक ग्राफ आपका जा रहा है। डोमेन की बात कर रहे हैं, एक्स एक्सिस में ग्राफ का फैलाव क्या है, तो माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन ये हो गया माइनस इन्फाइनाइट। और मैंने आपको चीज बताई थी, इन्फाइनाइट हो या माइनस इन्फाइनाइट हो, कभी क्लोज इंटरवल उस पर नहीं लगाते हैं, ओपन इंटरवल ही इस्तेमाल करते हैं इन्फाइनाइट पर केवल। और ये आपका हो गया माइनस वन हो गया, तो माइनस इन्फाइनाइट से बेटा माइनस वन हो गया, और ग्राफ यहाँ पर है ही नहीं, और फिर कहाँ से कहाँ तक है, वन से लेकर इन्फाइनाइट तक है, ये है। तो अगर पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में लाइक टू सेकंड पर सेक्स की डोमेन क्या है, तो आप कहेंगे माइनस इन्फाइनाइट से माइनस वन और मिनिमम वन टू इन्फाइनाइट, ये इसका डोमेन हो गया, मतलब एक्स एक्सिस में ग्राफ का फैलाव हो गया। अब बेटा हम बात करते हैं इसके रेंज की, इसके हम रेंज की बात कर लेते हैं। रेंज कहाँ से, ये क्या है ओरिजिन है, यहाँ से ग्राफ स्टार्ट होता है, कहाँ तक जाता है, ये एक्स इक्वल टू पाई की एक लाइन है यहाँ से यहाँ तक के बीच में, बट ग्राफ है कहाँ पर, नहीं है ग्राफ आपका पाई बाई टू पे है ही नहीं भाई, ये टच इसको भी नहीं कर रहा है और ये कर्व इसको भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी रेंज है वो जीरो से पाई, जीरो से लेकर पाई, क्योंकि जीरो पर तो है लाइन, ग्राफ हमारा जीरो पे है और पाई पर भी है, तो इसलिए जीरो से पाई के बीच में हम जीरो टू पाई क्लोज इंटरवल इस्तेमाल करें, क्लोज ओपन नहीं, क्योंकि ग्राफ हमारा जीरो पर भी है, ओरिजिन की लाइन ये है एक्स एक्सिस की इस पर भी है और पाई की लाइन ये इस पर भी है, बट हमारी पाई बाई टू पे हमारा कर्व ये नहीं है, तो पाई बाई टू पे नहीं है इसलिए हटा दिया हमने, तो क्लोज इंटरवल लिखेंगे जीरो टू पाई माइनस का पाई बाई टू। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है सेकेंड वर्स एक्स का रेंज क्या है, देखिए क्यों पूछेगा, थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं। जीरो से पाई इसका मतलब बाई इज ग्रेटर इक्वल जीरो बट लेस इक्वल पाई हो गया, बट बाई इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू, ये जो लिखा है वही हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। तो ये कॉट एक्स और अरे कॉट इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का ये ग्राफ हो गया। एक्चुअली थोड़ा सा कहना ये चाह रहे थे, अब आपका पेपर ऑब्जेक्टिव हो गया है तो कुछ भी हो सकता है, एक्चुअली बात यह है, हो सकता है आपको साइन वैसे तो जरूर नहीं होती, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए देखिए ये सब जरूर है, ये बड़ा आवश्यक है और इनका बड़ा काम है, ये चैप्टर टू बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसका बहुत सारा कहीं ना कहीं आगे हद तक ये बहुत मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा काम है। इनवर्स पहली बार ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन 11th में सर एक ग्राफ की फॉर्मेटिंग है उसमें आना चाहिए, उनके डोमेन रेंज आपको आना चाहिए, और ये तो बेटा ज़रूरी है क्योंकि जब तक हम ये नहीं पढ़ाएंगे, अगर आप हम लिखा देते डायरेक्ट जब आप प्रिंसिपल वैल्यू जब आप सॉल्व करने बैठोगे तब तो क्या है ये सर, क्योंकि ये कंडीशन वहाँ पर है यहाँ नहीं है भाई, जब उसमें आएगी फिर आपको ये आखिर ये क्या है डोमेन कहाँ से कहाँ तक हम डिफाइन करेंगे, जब वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो कंडीशन भी तो होती है ना, तो ये सब सारी चीज़ें वहीं आएगी, इसलिए ये थोड़ा जानना आपके लिए बड़ा आवश्यक है और इसे ज़रा सब इसे समझ के रखिएगा बहुत आवश्यक है। तो इसके बाद आपका थोड़ा सा हो जाएगा, अगली बार हम बात करते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, जैसे हम कॉस एक्स एक्स पे बात कर लेते हैं। तो हमें जैसा कि आपको बताया कि हमें फंक्शन को बन बन करने के लिए थोड़ा सा इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा सा कम उसमें एक बाउंड लगाना पड़ेगा, एक कटिंग करनी पड़ेगी है ना, जिससे हमारा फंक्शन अभी क्या है, अभी हमारा कॉस एक्स का होगा डिफाइन कहाँ से हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर इक्वल माइनस पाई बाई टू इज लेस इक्वल पाई बाई टू, यानी हमारा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में ये फंक्शन हमारा बन बन है। एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे, कोई भी लाइन ये फंक्शन को केवल एक पॉइंट पर ही काटेगा, ऊपर करेंगे तो नीचे करेंगे तो, दैट इज ये बन बन हो गया। अब जब ये बन बन हो गया तो जब देख लीजिएगा ये एक्स एक्सिस लाइन है, ये ओरिजिन है, ये जीरो कॉमा वन पॉइंट है, ये जीरो कॉमा माइनस वन पॉइंट है ना, देखा होगा कॉस एक्सिस का ग्राफ ये पाई बाई टू, इससे कोऑर्डिनेट क्या हो गया पाई बाई टू कॉमा जीरो, चूंकि ये वन है ये, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया पाई बाई टू कॉमा वन,
ये जीरो है, इसके कोऑर्डिनेट हो गया जीरो कोमा माइनस वन हो गया, ये माइनस पाई बाई टू की लाइन है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गया माइनस पाई बाई टू कोमा जीरो हो गया, ये एक्सेस वही ये भी आपकी माइनस पाई बाई टू की लाइन है तो इससे कोऑर्डिनेट ये माइनस वन है, इसलिए हो गया जीरो कोमा माइनस वन, यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई टू माइनस वन, ये ग्राफ है आपका। इसके डोमेन को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, मीन्स थोड़ा सा उसमें बट लगा दिया, बट का मतलब ये है कि उसमें थोड़ा सा एक लिमिट लगा दी कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में ये फंक्शन डिफाइन है, दैट इज वन वन है। ये करना क्यों है कि इन्वर्स हमें इस पर इन्वर्स पे काम करना है ना। अब आप देख लीजिएगा, अब ये फंक्शन है क्या, अभी एक्चुअली फंक्शन वन वन हो गया है ना, तो ये काम करना ही पड़ेगा। जैसे हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि इन्वर्स फंक्शन बनाने के लिए ये जितने भी सारे फंक्शन होते हैं वो सब कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं, तो वन वन और वन टू यानी बाइजेक्टिव बनाने, इन्वर्स फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन पे डिफाइनिंग होता है, तो बनाने के लिए इसके डोमेन पे हमें काम करना पड़ता है, थोड़ा सा श्रिंक करना पड़ता है थोड़ा सा, जिससे कि काम करें। अब बेटा इसका मेरा इमेज से बाई इक्वल टू कोसेक इन्वर्स है सर, एक्स का ग्राफ आपका ये हो गया, ये एक्स की लाइन है, ये पाई बाई टू की लाइन है, ये माइनस पाई बाई टू की लाइन है, माइनस वन कोमा जीरो हो गया, इससे कोऑर्डिनेट वन कोमा जीरो हो गया, यहाँ से चल रहा है तो ये एक्स एक्सिस वन हो गया, ऊपर पाई बाई टू, तो वन कोमा पाई बाई टू हो गया, यहाँ माइनस वन कोमा माइनस का पाई बाई टू, ग्राफ आपका ये है। अब हम बात करते हैं इसके डोमेन ऑरेंज की, है ना, तो हम देख क्या रहे हैं बेटा, ये जीरो है, ये एक्स एक्सिस है, और ये क्या है एक्स डैश है, दैट इज ये इनफाइनाइट है, और ये क्या है माइनस इनफाइनाइट है। ग्राफ हमारा डोमेन के लिए हमने आपसे फिर कहा था ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस पे कितना फैल रहा है, एक्स एक्सिस पे फैल कितना रहा, एक्स एक्सिस पे उसका फैलाव क्या है, दैट इज डोमेन, सॉरी। तो अब ग्राफ हमारा स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, माइनस वन से, भाई एक्स एक्सिस की लाइन ये माइनस वन है, ये क्या है प्लस वन है, तो माइनस वन से माइनस इनफाइनाइटी की ओर, माइनस वन से माइनस इनफाइनाइट ग्राफ जा रहा है, तो डोमेन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, इसका डोमेन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इनफाइनाइट प्लस हो या माइनस हो कभी भी हम क्लोज इंटरवल इस्तेमाल नहीं करते हैं, ओपन ही लगता है, क्योंकि ग्राफ माइनस वन पे है इसलिए माइनस वन पे क्लोज इंटरवल आपका लगेगा, तो डोमेन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन हो गया, सॉरी, और इधर वन पे है ग्राफ तो प्लस इनफाइनाइट जा रहा है, तो वन से लेकर इनफाइनाइट तक यानी वन टू इनफाइनाइट आपका ये हो गया, इनफाइनाइट पर हमारा ओपन इंटरवल ही रहेगा क्योंकि ग्राफ वन पे है इसलिए क्लोज इंटरवल काम करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये समझना, याद करोगे तो भूल जाओगे, ग्राफ के थ्रू मैं इसीलिए इस पर काम करना, अदरवाइज अब तक तो बहुत सारा काम हो गया होता एक्सरसाइज पे। इसको समझने वाली बात है, ग्राफ हमारा कहाँ से बेटा, ये एक्स एक्सिस है, ग्राफ है कहाँ, ये वन है, ये माइनस वन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ जा रहा है माइनस इनफाइनाइट हो, माइनस इनफाइनाइट है ना, तो इसका सॉरी माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन इसका डोमेन हो गया, क्योंकि इनफाइनाइट पे कभी हम क्लोज इंटरवल नहीं लगाते इसलिए ओपन ही लगेगा, माइनस वन पे ग्राफ है टच कर रहा है, माइनस वन पे है ग्राफ इसलिए माइनस वन पे आपका क्लोज इंटरवल लगेगा। दूसरे साइड में क्या करते हैं, ये प्लस वन, वन से लेकर इनफाइनाइट तक है, क्योंकि वन पे है इसलिए वन पे क्लोज इंटरवल लग गया, और इनफाइनाइट पे कभी भी आपका क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, तो उसका डोमेन बेटा माइनस इनफाइनाइट टू माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, ये इसका डोमेन हो गया। अब हम रेंज की बात कर लेते हैं, तो रेंज क्या है, रेंज ये होता है कि वाई एक्सिस में ग्राफ का फैलाव क्या है, एक्सपेंशन क्या है, तो वाई एक्स बेटा कहाँ से है, ये माइनस पाई बाई टू की लाइन है, ये पाई बाई टू की लाइन है, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू आपका हो गया, ये माइनस पाई बाई टू पे ग्राफ है, कर्व है इसलिए क्लोज इंटरवल हो गया, प्लस पाई बाई टू पे कर्व है ये, अरे ये प्लस पाई बाई टू की तो लाइन है ना, ये आपकी माइनस पाई बाई टू होगी लाइन, तो प्लस पाई बाई टू पे है कर्व, तो माइनस पाई बाई टू पर भी कर्व है, प्लस पाई बाई टू, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, ये आपका हो गया रेंज। बट एक चीज देखते हैं, ये एक्स एक्सिस से ही ओरिजिन है, क्या कर्व हमारा ये वाला या ये वाला, एक्स एक्स ये वाला, ये एक्स इक्वल टू जीरो की लाइन है, तो ये क्या कर्व इस लाइन को कहीं टच कर रहा है, ये क्या है बेटा, ये कर्व है, ये एक्स ये वाई ये ओरिजिन, तो एक्स इक्वल टू जीरो की यही लाइन होगी ना, क्या ये कर्व इस लाइन को कहीं टच कर रहा है क्या, ये वाला कर्व कहीं इस लाइन को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, यानी एक्स इसे लाइन को टच नहीं कर रहा है, जब इसे टच नहीं करना है तो रेंज में से माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू है, बट ये हटा देंगे तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू हो गया, और माइनस का जीरो हमने हटा दिया, ये आपकी रेंज, तो इस पे ये
आई एम सॉरी। तो ये आपका जितने ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन थे उन पर काम हो गया, अब हम इस पर आगे काम करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू हमने आपसे कह दिया, अब है क्या देखो, जैसे यही तो है, अब जो भी हमारी होगी वैल्यू इसमें काम करेगी, इस इसके अंदर काम करेगी, वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू होगी। भाई साइन में क्या था, माइनस पर बैठ लीजिए, तो वही इसका प्रिंसिपल, जो भी वैल्यू होगी उसी के अंदर में, यानी सबसे ओरिजिन के पास सबसे सिंपल वैल्यू, इजी वैल्यू को हम प्रिंसिपल वैल्यू कह देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम थोड़ा सा एक्सरसाइज पर काम कर लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करिए। देखिए, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, मैंने आपसे बहुत बार कहा जितने भी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मैनी वन फंक्शंस, बट वी नो दैट इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट, कब करें, बट इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। जितने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कैसे होते हैं, मैनी वन होते हैं, बट बी नो दैट हम जानते हैं जो डेफिनेशन है, द इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मीन्स क्या है, वन वन एंड वन टू, वन वन एंड वन टू। इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, देन दीज फंक्शन बिकम बाइजेक्टिव। हमने आपसे कहा था कि हम इसके डोमेन को थोड़ा श्रिंक कर देते हैं, रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। If we restrict the domain of trigonometric function, जो जितने भी सारे trigonometric function हैं उसके domain को हम restrict कर देते हैं, तो then these functions become bijective। तो यही सारे के सारे function, then these function, ये सारे के सारे function कैसे हो जाते हैं, bijective। उसके बाद लिखा है and inverse of trigonometric function, and inverse of trigonometric function are defined within the restricted domain। और फिर क्या होता है, जितने सारे इनवर्स जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, वो डिफाइन होने लगते हैं विद इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, उसी डोमेन में ये डिफाइन होने लगते हैं। जैसा कि हमने पहले आपको साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक और साइन इनवर्स कॉस इनवर्स टेन इनवर्स कॉट इनवर्स सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स जो भी हमने आपको ग्राफ बताए हैं उनके डोमेन और बताए हुए, ये क्या बोल रहे हैं, इफ वी रेस्ट्रिक्ट द डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देन दीज फंक्शंस बिकम बाइजेक्टिव एंड इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिफाइंड विद इन दीज रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, है ना, उसी डोमेन में, रेस्ट्रिक्टेड जो हमारा डोमेन है उसी डोमेन में ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे डिफाइन होने, पहले थे नहीं अब डिफाइन होने लगते हैं। इनवर्स ऑफ एफ इज डिफाइंड बाई एफ इनवर्स, मतलब इसको हम लिमिटेड बाई एफ इनवर्स, इसको हम कोई फंक्शन एफ है उसके इनवर्स को एफ इनवर्स से डिनोट कर देते हैं। जैसे साइन का साइन इनवर्स एक्स हो गया, कॉस एक्स का कॉस इनवर्स एक्स हो गया, एफ एक्स को हम एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे। हाँ, अगला जो हमारा कह रहा है डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डोमेन और रेंज, ये सारा काम हो चुका है डोमेन और रेंज पे, अब हम एक चार्ट बनवा देते हैं, एक चार्ट इसका, है ना। तो उसके बारे में ये क्या बोल रहे हैं, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये कह रहे हैं द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बिकम द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मैंने आपसे कहा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है बिकम द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स की वो रेंज है, वो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन का काम करने लगेगी। जो ये क्या बोल रहे हैं, द रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो रेंज है बिकम द डोमेन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। जो रेंज थी साइन एक्स की वो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन कवर करने लगेगी। एंड रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, और जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो बिकम रेंज, वो हमारा रेंज हो जाएगा। और जो हमारा इनवर्स और जो हमारा एंड रेस्ट्रिक्टेड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेस्ट्रिक्टेड जो डोमेन है वो हमारा रेंज हो जाएगा। इसी रेंज को हम बेटा कह देते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, इसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। अब देखिए जरा हम चार्ट ही बना लेते हैं, आप मैं पर नोट कर लीजिए। अब देखिए, जैसे अब इससे पहले इन पे काम तो सारा का सारा हो ही गया, एक बार हमने जो चार्ट किया डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के, डोमेन और रेंज का ये चार्ट है, हम देख लेते हैं। फंक्शन कौन सा है, साइन इनवर्स एक्स, इसका डोमेन क्या होगा, माइनस वन कोमा वन,
बट क्लोज इंटरवल में, ध्यान रहे माइनस वन कोमा सारी पिक्चर आपको। अब हम माइनस वन कोमा वन इसका डोमेन क्या है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का आपको आना चाहिए। कहाँ से करता है माइनस वन कोमा वन, ये हो गया ये इसकी ये रेंज हो गई। पर यही तो आपको समझाया था ना हमने, जैसे जो हमारा साइन इनवर्स ये था आपके पास है ना, ऐसे करके तो हमने क्या करते थे, जो हमारी डोमेन थी वो रेंज का वर्क करने लगी थी, वो रेंज का वर्क कर रही थी और जो रेंज है वो हमारा डोमेन का वर्क कर रहा था। तो इसमें क्या है, अगर जैसे ही हम साइन इनवर्स एक्स आपसे बोलें तो साइन इनवर्स एक्स का आपको ग्राफिंग एकदम उसका चार्ट इसकी पिक्चर आपके दिमाग में आ जानी चाहिए है ना। तो उसकी डोमेन क्या होगी माइनस वन कोमा वन और रेंज क्या होगी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल में है ना। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा माइनस वन कोमा वन और रेंज क्या होगी, यही रेंज को ही प्रिंसिपल वैल्यू जो भी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू होगी वो इसी में लाई करेंगे। देखिए प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा पाई में अगर आंसर आता है तो प्रिंसिपल वैल्यू में ही आएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू हम रेंज और इसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू डांस करते हैं, जो भी हमारी वैल्यू आएगी साइन इनवर्स की जितनी भी वैल्यू आएगी वो सारी सारी इस इंटरवल में लाई करेंगी। ठीक, ये साइन इनवर्स एक्स पे हमने बात कर ली। अब हम बात करते हैं कॉस इनवर्स एक्स पे। तो कॉस इनवर्स एक्स जो हमारा है, आई एम सॉरी, कॉस इनवर्स एक्स है उसका डोमेन होता क्या है माइनस वन कोमा वन। भाई ये पिक्चर आपके पास सही है, कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या है माइनस वन कोमा वन, बट इसका रेंज क्या होगा, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होगी, जीरो कोमा पाई, क्लोज इंटरवल जीरो कोमा पाई होगी इसकी। कॉस इनवर्स एक्स है उसका डोमेन क्या होगा माइनस वन कोमा वन, पिक्चर मालूम है ना। और बेहतर तो जब है इन सब की पिक्चर इसके सामने और हो अभी यहाँ, तो काम करना कॉपी पे जो हमने बनाया रखा है छोटे से यहाँ कर लेना, तो याद करने में आसानी रहेगी आपको। बहुत ज़्यादा कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा माइनस वन कोमा वन, इसका रेंज क्या होगा जीरो कोमा पाई क्लोज इंटरवल में, याद है। लेकिन न याद हो तो पिक्चर वही वहाँ से थोड़ी सी लेके आप यहाँ कर लेना, तो फट से चित्र एकदम फिर मतलब फिगर को देखते ही आपको हाँ ये डोमेन है ये रेंज है, बेहतर तो ये होगा। इसमें फिगर जो इनके एक मतलब और कर लेना है सही, उसमें आप इनके साइन इनवर्स एक्स का छोटा छोटा आप समझ सको अपने लिए है ना। टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होता है भाई, यही तो होता है ना, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट ये होता है और इसी को हम रियल नंबर ये बोल देते हैं। बट इसका रेंज इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्लोज नहीं है, मतलब ना तो ये होगी ना ये होगी, इसके बीच में आएगी। ये आपका हो गया टेन इनवर्स एक्स की रेंज हो गई या प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, इसी में लाई करेगी। हम बेटा कॉट इनवर्स एक्स में बात कर लेते हैं, तो हमारा जो कॉट इनवर्स एक्स है उसका अभी हमने आपको मतलब थोड़ी देर पहले कॉट इनवर्स एक्स का उसका डोमेन क्या होगा माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस में कभी इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट के आगे पीछे कभी भी ओपन इंटरवल नहीं लगता, तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन होगा। ठीक है, फिर माइनस वन और वन के बीच में ग्राफ हमारा ब्रेक कर रहा है ही नहीं उस पर, तो वन से इनफाइनाइट हो गया। अच्छा तो इसको हम क्या कहेंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट टू रियल नंबर बोल देते हैं, और ग्राफ चूंकि हमारा यहाँ पर नहीं है इसलिए हमने हटा दिया इसको, तो उसके और करके माइनस वन कोमा वन भी लिख सकते हैं। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है, फिर समझने की कोशिश ये करें। हमने आपसे ये कहा है अभी कि कॉट इनवर्स एक्स है आपके पास, ये क्या है कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स एक्स का माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, इसमें क्लोज नहीं लगेगा ओपन लगेगा, और वन से फिर ग्राफ हमारा जा रहा है वन से इनफाइनाइट। तो हमने अच्छा एक्चुअली अगर माइनस वन और वन को हटा दो तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये क्या है, रियल नंबर ही तो है भाई, ये क्या है आपका, ये सारा का सारा रियल नंबर है, लेकिन ग्राफ हमारा कहाँ पे नहीं है ना, माइनस वन पे ना प्लस वन पे, तो माइनस वन को मैं प्लस वन हटा दिया, तो डोमेन हमारा ये भी है डोमेन हमारा ये, दोनों में से ये कि चाय को और लगा के आप ये लिख दो चाय पीए चाय पीए, वही हमने यहाँ पे टिका हुआ है। अच्छा अब हम रेंज की बात कर लेते हैं या इसकी प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करें। तो आपको मालूम है कॉट इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है जो रेंज है वो आपकी जीरो से पाई, जीरो पर भी है ग्राफ पाई पर भी है ग्राफ, बट पाई बाई टू जो हमारी लाइन थी इस पर, बट पाई बाई थ्री नहीं इस पर नहीं, जो बट जो पाई बाई टू की जो लाइन थी उस पर हमारा ग्राफ कहीं इसको टच नहीं कर रहा था, तो पाई बाई टू हमने उससे हटा दिया, तो जीरो से पाई क्लोज इंटरवल माइनस का पाई बाई, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसी में लाइक करेगी, इससे आगे पीछे नहीं जाएगी। ठीक है ना, वही बेटा हम कॉसेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, कॉसेक इनवर्स एक्स की कॉसेक इनवर्स एक्स का डोमेन वही होता है जो हमारा नहीं
ये साइन कॉस टेन हो गया, ये सेक इनवर्स एक्स कब हो गया आपके पास, कोसेक इनवर्स एक्स की बात कर लेते हैं, तो कोसेक इनवर्स एक्स का भी डोमेन वही होता है जो आपका सेक इनवर्स एक्स का होता है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन यूनियन वन टू इनफाइनाइट, है ना। माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट पे आपका क्लोज इंटरवल नहीं लगेगा, और इसी को हम, ये क्या है आपका माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट क्या है, रियल नंबर है। कर्व हमारा कहाँ पर नहीं है, माइनस वन और प्लस वन पे नहीं, हटा दिया तो आर माइनस माइनस वन को मान, चाहे तो ये बोल लो चाहे बोलो, जो आपको सुटेबल लगे वो आप बोल दीजिएगा। अब हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं, कोसेक इनवर्स एक्स के हम इसके रेंज की बात कर लेते हैं, तो कोसेक इनवर्स एक्स का जो रेंज है या प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करेगी, तो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू क्लोज इंटरवल है आपका, क्लोज इंटरवल है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, लेकिन ग्राफ हमारा जीरो पे तो है ही नहीं, जो कोसेक इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था वो हमारा जीरो पे टच नहीं कर रहा था, तो उसको हम इसमें से हटा दें, तो हमारी जो रेंज आएगी या जो प्रिंसिपल वैल्यू हमारी लाई करेगी वो उसके बीच में ही लाई करेगी। देखिए एक बात और है, ये चार्ट हो गया आपका, इन सब पे आप काम कर चुके हो, बहुत अच्छी बात है, बट ज़्यादा बेहतर जब होगा जब आप इसी में साइन इनवर्स एक्स का, है ना, या कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का, कोसेक इनवर्स एक्स का, इन सब का फिगर आप बना लो विद इन रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, जो हमारे जो हमने उस पर शिफ्ट किया हुआ डोमेन है उसमें आप इनके सारे का सारे फिगर बना लोगे तो आपको याद करने में ज़्यादा फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर तो हमारा बेसिक फंडामेंटल जो भी था सब हो गया है, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की 2.1 की, तो हम नेक्स्ट वाले टॉपिक में बात करेंगे। कोशिश मैंने ये की है कि आपको कुछ छोड़ा न जाए, काफ़ी चीज़ों पे इस पर काम हो गया, आप इसको बार बार पढ़िए, लिख लिख कर देखिए, लिख लिख के आप चार्ट बनाइए, लिख लिख कर ही आपको डोमेन और रेंज आएंगी, ऐसे नहीं जैसे कि आपने पढ़ लिया साइन इनवर्स एक्स का माइनस वन टू वन माइनस फाइव बाई टू, नहीं, जब तक आपके दिमाग में पिक्चर इसका फिगर की इमेज नहीं जाएगी, इसकी पिक्चर नहीं आएगी, तब तक आप डोमेन रेंज आपको याद नहीं होगा, उसके लिए क्या है सबसे बड़े, और इसका एक चार्ट बना लीजिए, ऐसे एक चार्ट इसका विद फिगर का बना लो, उसको जब बार बार देखोगे, उसको जब देखोगे तब समझ में आएगा कि डोमेन क्या है, रेंज क्या है। मैंने आपसे कहा डोमेन क्या होता है, एक्स एक्सिस पर फैलाव ग्राफ का, रेंज क्या होती है, वाई एक्सिस पर ग्राफ का फैलाव होता है, तो जब तक आप उसको नहीं देखोगे तब तक आपके समझ में नहीं आएगा, बार बार लिखकर पढ़िए, लिख के देखिए तब समझ में आएगा, बाद बाकी सारी प्रॉब्लम्स हम न्यूमेरिकल में सॉल्व कर लेंगे, है ना। कोशिश मैंने की है आपको समझाने की, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने जितने सारे फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि इस लॉकडाउन कंडीशन में वो मतलब कहीं कहना चाहिए, है ना। तो हम इस पर बात करते हैं आगे वाली एक्सरसाइज पर, ठीक है, थैंक यू।